फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जब कोई वाईफाई या ब्रॉडबैंड लगवाता है तो जब लगवाने के बाद नेटवर्क स्पीड एंड डेटा लिमिट वाले प्लान्स होते हैं तो कोई सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें जितनी भी हाई स्पीड दी होती है उतनी स्पीड कभी भी यूज़र को नहीं मिलती है। आप कुछ भी डाउनलोड करके देख लीजिए। मान लीजिए आपको 40 Mbps की स्पीड वाला आपने प्लान चुना है, लेकिन आपको 40 Mbps कभी नहीं मिलेगा, 30 भी मिलेगा नहीं और 20 भी नहीं मिलेगा, उससे बहुत कम मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 या 6 Mbps ज़्यादा ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पैराडाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Mbps और Mbps की। और आप लोग बोल रहे होंगे इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों का सेम ही तो नाम है। तो इन दोनों को समझने के लिए, इनमें क्या डिफरेंस है और ये दोनों का नाम सेम क्यों है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये समझने के लिए हम पहले एक और दूसरा टॉपिक लेंगे, किसी और चीज़ के बारे में जानेंगे जो इनसे रिलेटेड है, वो है बिट एंड बाइट। और आपने बिट या बाइट कहीं ना सुना होगा, वो बहुत सारे लोग पता होगा क्या होती है, और नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। जो बिट होती है वो बेसिक यूनिट होती है किसकी, डेटा की। जो आपने देखा होगा लेंथ की बेसिक यूनिट होती है मीटर, रसीद, बिल्कुल वैसे ही जो वेट की बेसिक यूनिट होती है वो होती है ग्राम या फिर केजी आप कह सकते हैं। तो वैसे ही डेटा की भी बेसिक यूनिट होती है, उसे कहते हैं हम बिट। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब एक बिट होती है, जैसे 1000 मीटर मिला के 1 किलोमीटर बनता है, तो वैसे ही 8 बिट्स मिला के 1 बाइट बनता है। ठीक है, और दोनों के कैपिटल लेटर जो में फर्स्ट लेटर होते हैं वो होते हैं बी, इसलिए दोनों को इस शॉर्ट फॉर्म में बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे दोनों में से पता कैसे चलता होगा कौन सा बाइट है कौन सा बिट है, तो इसीलिए उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब कहीं पे छोटा भी लिखा रहता है इसका मतलब ये है वो बिट लिखा है, और कहीं बड़ा भी लिखा होता है तो उसका मतलब बाइट होता है। तो अब आप यहां तक तो आपको समझ आ ही गया होगा बिट एंड बाइट का अंतर। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इन दोनों का रेशियो देख लीजिए, 1 और 8 का होता है। जैसे मैंने बताया था कि एक बाइट में 8 बिट होती हैं, इसलिए इनका रेशियो भी 1:8 का होता है। और हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक तरफ, जो कि है Mbps और Mbps। अब आपको बिट एंड बाइट समझ में आ गए हैं, तो इसलिए आपको ये भी आराम से समझ आ जाएंगे। तो आप ये देखिए कि Mbps छोटे वाले में, फर्स्ट वाले में जो बी है छोटा है, यानी इसमें छोटा बी है, और दूसरा वाला Mbps इसमें बी बड़ा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि छोटा बी इसमें मतलब होता है बिट और बड़े बी का मतलब होता है बाइट, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो जो छोटे बी वाले Mbps का मतलब होता है, मतलब फुल फॉर्म होता है, वो है मेगा बिट पर सेकेंड, और जो बड़े बी वाले Mbps का मतलब होता है मेगा बाइट पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे आप समझ गए हो कि अब यहाँ पे जैसे बिट एंड बाइट के बीच में 8 का रेशियो था 1:8 का, वैसे इनमें भी 8 का ही रेशियो है। तो बिल्कुल 8 का ही रेशियो होता है। आप कुछ भी निकालना हो तो आप मान लो को Mbps दिया हुआ है बड़ा वाला बी वाला, तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको छोटे यानी Mbps यानी मेगा बिट पर सेकेंड्स मिल जाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल उल्टा उसमें होता है, अगर आपको मेगा बिट्स पर सेकेंड्स दिए हों और आपको मेगा बाइट पर सेकेंड निकालने हैं तो आप 8 से डिवाइड कर सकते हो, बेसिक सा मैथ्स लगाना पड़ता है। और अब अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर चलते हैं। आपको जब आप कोई ब्रॉडबैंड या वाईफाई लगवाएंगे तो आपको जितना भी प्लान में दिया जाती है स्पीड, वो उससे कम क्यों मिलती है? तो बात यह होती है कि आप किसी भी ब्रॉडबैंड सर्विस की वेबसाइट में चेक कर लीजिए, आप कोई भी प्लान देखेगा तो उसमें नेटवर्क स्पीड लिखी होगी, आप देखना। तो उसमें जहाँ भी नेटवर्क स्पीड लिखी होगी तो उसमें लिखा होगा Mbps, और उसमें जो बी रहेगा वो छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें जो बी होता है ज़्यादातर, कहीं कहीं रहता है कि बी बड़ा भी रहता है, लेकिन मैं ज़्यादातर होता है कि बी छोटा रहता है, यानी मेगाबिट पर सेकंड में उसमें स्पीड दी जाती है। लेकिन जो डाउनलोड होता है तो आप देखना कि जब डाउनलोड कुछ होता है या तो वो अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो KB पर सेकंड होगा, तो उसमें बी भी बड़ा होगा यानी किलोबाइट पर सेकंड, या फिर अगर ज़्यादा स्पीड मिलती है तो मेगाबाइट पर सेकंड यानी
बी बड़ा वाला, वही इसी में आपकी डाउनलोड होती है। अपलोड भी बड़े वाली बी वाली स्पीड से होती है, मेगा बाइट पर सेकंड से ही अपलोड होता है, उसी से डाउनलोड होता है। इसीलिए जब आपको मान लीजिए दोनों में 8 का रेशियो है, इसलिए जब मान लो आपको 40 की स्पीड मिलती है तो आप उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा आपको मेगा बाइट में कितनी स्पीड मिलेगी। तो बिल्कुल सही है। अब ये मत सोचिए कि ये ख़राब है या फिर इसकी कोई इतनी स्पीड ये मैक्सिमम है, ये बहुत कम मिलेगी। इसकी मैक्सिमम स्पीड 5 या 6 ही होगी, क्योंकि वो मेगा बिट थी जिस असली स्पीड, और आपको मेगा बाइट में आप डाउनलोड करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो जो मैंने समझाया वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं कुछ भी समझ आया फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।